गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज से हम श्री गणेश करेंगे डीएलएड की मैथ का, जिसमें आप देखेंगे ये क्लास जो आप देख रहे हैं फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के लिए है। तो आप लोग याद रखिएगा, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के लिए आपका मैथ का ये सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम है। जैसे कि कोई घर बनाना है, कोई प्लान बनाना है, तो हम लोग पहले एक उसका सिस्टम बनाते हैं कि हमें कैसे बनाना है, ढांचा क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसी अनुरूप चलते हैं ना। कोई लक्ष्य होना चाहिए, कोई टारगेट होना चाहिए ना। तो हम लोग पहले सिलेबस देखेंगे कि हमें आखिर पूरे पाठ्यक्रम में पढ़ना क्या है, और फिर हम लोग शुरू करेंगे। आप जान रहे हैं कि आज आप लोग पेड क्लासेज देख रहे हैं, तो भाई सभी लोग इन्हीं उम्मीदों के साथ आए होंगे कि आपको कुछ बेहतर मिलेगा। हमारी कोशिश रहेगी वीडियो की क्वालिटी को दिन प्रतिदिन हम सुधारेंगे, और आप देख रहे होंगे आज कुछ एक्स्ट्रा लाइट भी यहाँ पर लग गई है, और सामने से भी लाइट आ रही होगी, है ना, क्लियर है। चलिए देखते हैं। देखिए डीएलएड मैथ में जो आपका पहला पार्ट में से आएगा वो आएगा गणित। गणित के बारे में आपसे हिस्ट्री पूछा जाएगा मैथ की, यानी कि ऐतिहासिक परिचय गणित का, जैसे आपके भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट वगैरह के बारे में, और भी जो भी गणित का मेन मूल होता है उसके बारे में, ठीक है। आपको क्लास में हम सब कुछ बताएंगे, क्लास देखेंगे। तो ये पाठ्यक्रम है, पहला पार्ट ये है। दूसरा पार्ट, तीन अंकों तक की संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ को दोस्तों जीसीएफ भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बोले या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब क्या हुआ, एक ही हुआ। इसको लगा लेते हैं तो हमें भी आसानी होगी, आपको भी देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। आप लोगों ने डेमो क्लास में या फिर जो पहले आपकी फ्री की क्लास होती थी उसमें आपने तीन अंकों की संख्याओं तक एलसीएम और एचसीएफ पढ़ लिया है, लेकिन हम इसमें फिर से पढ़ाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। तीसरा पाठ आपका होगा व्यंजक में प्रयुक्त जोड़ घटाना गुणा तथा भाग के संकेतों तथा कोष्टकों का सरलीकरण। दिख रहा ना साइड तक, मतलब कि आप बोर्ड मास का रूल इसमें पढ़ेंगे, बस यही है और कुछ नहीं है। आप लोगों ने इसके पहले इसको देख भी लिया रहा होगा। तो ये हो गया आपका तीसरा पार्ट। चौथा पार्ट जो आपका आएगा वो संख्याओं पर डिपेंड होगा पूरी तरह से। ये क्लास अगर आप रेगुलर देख रहे हैं तो हमने 2017 में आपको पढ़ाया था, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर जिसे होल नंबर बोलते हैं, पूर्णांक यानी इंटीजर, तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा, मतलब कि रेशनल नंबर पर आधारित कॉन्सेप्ट। समझ में आया। अगला पार्ट जो आपका होगा पांचवा, वो होगा पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। इसमें आप पढ़ेंगे जोड़ घटाना गुणा तथा भाग के परगुण के बारे में, गुण और परगुण आप लोग पढ़ेंगे तो आपको हम बताएंगे, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। पांचवा पार्ट हो गया, छठवां आप पढ़ेंगे पूर्णांक यानी कि इंटीजर तथा रैशनल नंबर पर आधारित मैथमेटिकल। मैथमेटिकल क्या पढ़ेंगे आप लोग, जो भी क्रियाएं होंगी और उनका प्रतिलोम तथा तत्समक पढ़ेंगे। प्रतिलोम मतलब उल्टा वगैरह होता है, आपको बताया जाएगा, आप समझेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका छठवां पार्ट। सातवां पार्ट में आप लोग पढ़ेंगे सरलीकरण तथा सर्वसमिका। सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन, जो कि आप लोगों ने देख लिया था लगभग में। डीएलएड की आधी क्लास जो है आपकी फ्री की क्लास में खत्म हो गई थी, बस थोड़ा बहुत टॉपिक जो भी बचा हुआ है उसको हम आप लोग को बताएंगे। लेकिन जो लोग इस उम्मीद से पेमेंट किए हैं कि भाई हमें शुरू से क्लास मिलेगी, तो हम इसमें डीएलएड की मैथ को शुरू से आपको बताएंगे। ये आपने सात चैप्टर देख लिया, ठीक है, आठवां चैप्टर देखते हैं क्या है। एक चर राशि में रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखिए बदल गया, हमने फिर से लिख दिया इसको इतनी जल्दी, ठीक है, ये सब बदल गया, आप ध्यान दीजिएगा। आठवां चैप्टर है एक चर राशि में रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। नौवां नंबर चैप्टर है व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमिकाएं। सर्वसमिका जानते हैं, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सर्वसमिका है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सेवन इक्वल जीरो, ये क्या है, समीकरण है। क्षेत्रफल आयतन एवं धारिता की संकल्पना तथा इकाई अंक, मतलब कि एरिया रेक्टेंगल एंड धारिता की क्या होगी, संकल्पना और इकाई अंक, यानी कि हम लोग यूनिट डिजिट देखेंगे। त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ट्रायंगल रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, ठीक है। और आपका जो
दसवां चैप्टर ये आपने देख लिया, 11वां 12वां का चैप्टर होगा अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता बंटन तथा आंकड़ों का चित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्ष निकालना। मतलब कि आप लोग इसमें बारंबारता पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 में। 13 में क्या है, सर्वांग समता तथा समरूपता पढ़ेंगे। जैसे आप जानते हैं कोई त्रिभुज सर्वांग सम कब होता है, सर्वांग सम मतलब कि जब सभी अंग एक समान हो, इक्वल हो, तो सर्वांग सम होता है ना। तो आप लोग सर्वांग सम और समरूप पढ़ेंगे, बिल्कुल जल्दी पढ़ेंगे। समरूप का मतलब क्या हुआ, जैसे जो इंसान है वो सभी समरूप है, कहने का मतलब सबके एक मुंह है, दो हाथ है, दो पैर है ना, यही तो है, दो कान है, दो नाक है, यानी कि सब क्या है, समरूप, एक समान रूप के, मतलब कोई बनावट में अंतर नहीं है। ठीक है, सर्वांगसम मतलब उतने बड़ा, उतने मोटा, उतने चौड़ा, उतने हट्टा कट्टा, मतलब सर्वांगसम। त्रिभुज के संदर्भ में सर्वसंगतता की शर्तें, ये हम लोग पढ़ेंगे लास्ट वाले चैप्टर में। तो ये था आपके डीएलएड की मैथ का फर्स्ट और आपकी सेकेंड सेमेस्टर का पूरा कंप्लीट सिलेबस। आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आप लोग जरूर बताइएगा। और एक बात, चलते चलते जिन लोगों ने इसको पूरा नहीं देखा था वो लोग थोड़ा वीडियो को पीछे करके देख लेंगे क्लास को, उन्हें जरूर दिखेगा। ठीक है, हम आपको ऊपर नंबर दिए हैं और फिर से दे रहे हैं। जो लोग क्लास को देखना चाहते हैं आज से, डीएलएड की मैथ को शुरू करना चाहते हैं, वो लोग जरूर जुड़ जाएं हमसे और डीएलएड की मैथ को लेकर के चलें अंतिम पड़ाव तक। व्हाट्सएप नंबर 9793488 अच्छे से लिख दूं ना, ये 488 और 448, इस पर आप लोग ज्वाइन लिख करके हमें एसएमएस करेंगे, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, क्लियर। अगर कोई सवाल है तो आप लोग नहीं सबको पूछ सकते हैं। आज की इस क्लास में बस इतना ही। अभी आपकी 6 बजे से क्लास होगी जिसमें आप लोग चैप्टर स्टार्ट कर देंगे जो आपका सिलेबस है, तो 6 बजे से जरूर देखिएगा। ठीक है, इसके बाद 7 बजे से आप देखेंगे आपकी एसएससी और यूपी पुलिस की मैथ, एसएससी और यूपी पुलिस सीटेट और शिक्षक भर्ती परीक्षा की मैथ, जो कॉमन चैप्टर है इन सब में, उसको हम लोग देखेंगे 7 बजे से। ठीक है, इसके बाद आपकी अगली क्लास भी होगी, दूसरी वाली क्लास जो आप लोग देखेंगे उसे भी देखिएगा। दोस्तों फिर इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपने विचारों को जरूर कमेंट करिएगा और 7 बजे से आपकी एसएससी और यूपी पुलिस आरपीएफ शिक्षक भर्ती परीक्षा सीटेट की कंप्लीट मैथ यानी कि कॉमन सिलेबस को आप लोग देखेंगे 7 बजे से। प्रतिदिन सुबह 5 बजे से जीरो लेवल क्लास और 6 बजे से डीएलएड क्लास, 7 बजे से आपकी कॉमन क्लास की मतलब क्लास होती है जो कि आपकी मास्टर क्लास होती है, सभी परीक्षाओं में आने वाला। इस वीडियो को अपने मित्रों में जरूर शेयर करें, उन्हें भी पाठ्यक्रम साझा करें सिलेबस, और हम लोग देखेंगे इसके आगे कोर्स अपना स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से। धन्यवाद, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जाते जाते।